नमस्कार मित्रों, मैं नीरज शुक्ला। हमारी क्वालिटी श्रृंखला में न्यू टॉपिक APQP एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। आप सभी ने APQP का नाम सुना होगा। आज हम जानेंगे APQP क्या होता है, कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और एक कंपनी की ग्रोथ में APQP का क्या रोल होता है या क्या रोल APQP कर सकता है। आप सभी को पहले ये जानना जरूरी है APQP की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है। आप सभी ने IATF का नाम सुना होगा, IATF इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। IATF क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में 5 कोर टूल होते हैं। फर्स्ट वन इज APQP, सेकेंड वन SPC, थर्ड वन MSA, फोर्थ वन FMEA और फिफ्थ वन PPAP। ये 5 कोर टूल होते हैं IATF में। कोर टूल का मतलब है आपको अगर किसी कंपनी में IATF क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको ये 5 टूल इम्प्लीमेंट करने होंगे और आपको इसकी अवेयरनेस और इम्प्लीमेंटेशन के नॉलेज होना मैंडेटरी है। तो इस श्रृंखला में आज हम डिस्कस करेंगे APQP। फर्स्ट टॉपिक, हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी पे प्रोवाइड कर भी दिया है। आप नीचे सब्सक्राइब करिए और नीचे चेक करिए, आपको अदर वीडियोस भी मिल जाएंगे। हमारा पहला टॉपिक है APQP, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। प्रोडक्ट की क्वालिटी की प्लानिंग एडवांस में करके चलना, इट इज कॉल्ड APQP। मीन्स जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है या जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, इन सभी को हम एडवांस प्लान करके चलते हैं। एडवांस प्लान क्यों करते हैं? ताकि डेवलपमेंट के टाइम में या ड्यूरिंग प्रोडक्शन हमें प्रॉब्लम ना आए। पहले तो आप ये समझिए APQP एक कंपनी की बिजनेस ग्रोथ के साथ किस तरह लिंक होती है। एक कंपनी 4 तरह से आगे बढ़ सकती है। ये हमारा APQP साइकिल है, इसको आप समझिएगा। और रियली अगर आपने इस साइकिल को समझ लिया तो APQP समझना और समझाना आपको बहुत आसान हो जाएगा। एक कंपनी 4 तरह से आगे बढ़ती है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग कस्टमर की सेल में बढ़ा देता हूँ। जो प्रोडक्ट जिस कस्टमर को मैं दे रहा हूँ, मैं वही प्रोडक्ट को वही आपको एक ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करूँ, वो एक तरीका होता है कंपनी को आगे बढ़ाने का। बट इसमें चैलेंजेस कम होते हैं, ये एक रेगुलर सेल्स मैनेजर का जॉब होता है। ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू कस्टमर को, आप सेम प्रोडक्ट न्यू कस्टमर को सेल करिए। इस प्रोसेस में आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं करना होता है, केवल पार्शियल APQP करना होता है। यहाँ पर हम केवल PPAP प्रोसेस करते हैं, जो कि APQP का ही एक पार्ट है। बट आप कह सकते हैं संक्षेप में APQP एक पार्शियल लेवल पे करते हैं। केवल 20% APQP एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें पार्ट ऑलरेडी डेवलप होता है। आपको जस्ट पर्टिकुलर उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है अपने वैलिडेशन, वेरिफिकेशन और फीडबैक असेसमेंट फेज में। दूसरों, तीसरा तरीका होता है न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर को, मीन्स उसी कस्टमर को आप कोई नया प्रोडक्ट ऑफर करिए। काफ़ी चैलेंजिंग जॉब होता है। यहाँ पर हम APQP की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट का न्यू डेवलपमेंट किया जाएगा, पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस यहाँ पर फॉलो होगा। चौथा है सर, न्यू प्रोडक्ट टू न्यू कस्टमर, मीन्स प्रोडक्ट भी नया है और न्यू कस्टमर को देना है। तो ये मोस्ट चैलेंजिंग जोन है हमारे बिजनेस ग्रोथ का, यहाँ पर भी मुझे APQP करना होगा। आप ये समझिए एक कंपनी की ग्रोथ में 4 एस्पेक्ट हैं और 4 में से लगभग मेरे 3 वर्टिकल में APQP का रोल है। तो आप ये समझिए कि एक कंपनी की ग्रोथ में APQP किस तरह से अपना रोल प्ले करता है,
मुझे ये समझाने की ज़रूरत है आप सभी को, और आप सभी भी कंसंट्रेट होकर समझिए। आपको APQP प्रोसेस अगर क्लियर है तो एक कंपनी की 75% ग्रोथ को आप इफेक्ट कर रहे हैं। मीन्स एक इफेक्टिव APQP प्रोसेस का होना कितना रिक्वायर्ड है एक इंडस्ट्री के लिए। अब बात करते हैं APQP क्या एक्टिविटी होती है, इसमें कितने फेजेस होते हैं। APQP में बेसिकली 5 फेजेस होते हैं, मीन्स इसको 5 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्लानिंग फेज। प्लानिंग में हम ये बात करते हैं कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, हमारा पास हिस्ट्री कुछ रहा हो सिमिलर प्रोडक्ट का, मार्केट फीडबैक क्या है, कस्टमर के एजम्पशंस क्या हैं, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, हमें प्रोडक्ट का टाइम प्लान अप्रूव कराना होता है कस्टमर से और मैनेजमेंट का अप्रूवल लेना होता है प्लानिंग फेज में। नेक्स्ट फेज है हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन। यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ समझिए आप डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा नॉन डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट का डिज़ाइन खुद करता है और कस्टमर को अपना प्रोडक्ट ऑफर करता है। नॉन डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट डिज़ाइन फेस अप्लीकेबल नहीं होता है, वो जस्ट कस्टमर की ड्राइंग पे काम करता है, वहाँ पर प्रोडक्ट डिज़ाइन का फेस मिस होता है। आप सभी ने सुना होगा प्रोडक्ट डिज़ाइन फेस में DFMEA के बारे में, DFMEA एक्टिविटी यहाँ पर होती है। DFMEA के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने आने वाले प्रोग्राम्स में। तो डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल एंड नॉन डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के होते हैं। डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट डिज़ाइन एक्टिविटीज़ होती हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन में हम DFMEA करते हैं, डिज़ाइन रिव्यू करते हैं, डिज़ाइन वेरिफिकेशन और डिज़ाइन वैलिडेशन। ये सारे वर्ड हमने ऑलरेडी डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिस्क्राइब किए हुए हैं, नीचे आप चेक कर सकते हैं। प्रोसेस डिज़ाइन फेस। प्रोसेस डिज़ाइन में क्या होता है, प्रोसेस डिज़ाइन में हम प्रोडक्ट के लिए PFD बनाते हैं, प्रोसेस फ्लो डायग्राम। इसमें PFMEA बनाते हैं, प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। इसमें हम कंट्रोल प्लान बनाते हैं, FMEA में जो करेक्टरिस्टिक्स क्रिटिकल्स होती हैं उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या फ्रीक्वेंसी होगी और किस मेथड से कंट्रोल करेंगे, वो हम प्रोसेस डिज़ाइन फेज में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है प्रोसेस एंड प्रोडक्ट वैलिडेशन। मीन्स इसमें जो प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं उससे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं हम, उस प्रोडक्ट को हम वेरीफाई और वैलिडेट करते हैं। वेरीफाई और वैलिडेट कैसे करेंगे, उसके लिए आप जो भी ड्राइंग्स की रिक्वायरमेंट होगी आइदर विथ डायमेंशनल परफॉर्मेंस और एस्थेटिक, आप उन सभी स्टेजेस पे प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हो। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन फेस में आप कस्टमर को PPAP डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। PPAP के ऊपर ऑलरेडी हमने एक ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ है, नीचे चैनल्स पर जाकर आप PPAP प्रोग्राम क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वन फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। जब आप PPAP डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं कस्टमर के यहाँ, उसके बाद कई बार कस्टमर के कुछ इश्यूज होते हैं कि हमें इस पार्ट में फिटमेंट में ये प्रॉब्लम आ रही है, टेस्टिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो कस्टमर के इश्यूज को आइडेंटिफाई करना, उनको शॉर्ट आउट करना और उनको सोल्यूशन देना, ये ऑलरेडी फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन फेज में होता है। करेक्टिव एक्शन वर्ड आपके लिए नया होगा, यहाँ पर हमने करेक्टिव एक्शन, करेक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पर रेफर कर सकते हैं। ये आपको मैंने APQP का एक इंट्रोडक्शन दिया जस्ट व्यू, सो दैट आप APQP से अवेयर हो सके APQP होता क्या है। अब APQP में कुछ जो मेजर मेजरेबल्स होंगे हमारे और जो चैलेंजेस आते हैं हम उसकी बात करेंगे। APQP इफेक्टिव करने के लिए आपको
सीएफटी बनानी पड़ेगी। सीएफटी का मतलब होता है क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम डिफरेंट प्रोसेसेस ऑनर्स मीन्स कोई प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होना है तो आपको प्रोडक्शन, क्वालिटी, प्रोसेस इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, सर्विस, हर डिपार्टमेंट के प्रोसेस ऑनर्स को लेकर आप सीएफटी बनाओगे, क्रॉस फंक्शनल टीम, और वो एक सीएफटी प्रोसेस फॉलो होगा ड्यूरिंग डेवलपमेंट। सीएफटी क्यों बनाई जाती है? सीएफटी इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको जो फेलियर्स पॉसिबल है उनको आप ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्टेज में आइडेंटिफाई कर सके और करेक्टिव एक्शन आप एडवांस में ले सके ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये जस्ट आपको एपीक्यूपी के मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया। बाकी डिटेल प्रेजेंटेशन के लिए आप हमें नीचे सब्सक्राइब करिए चैनल को और रेगुलरली हमारे न्यू वीडियोस देखते रहिए और अपने कमेंट दे रहिए। ओके, थैंक यू।